वहीं भारतीय पावरलिफ्टिंग टीम प्रशिक्षक से खुश, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने दुर्ग कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से की मुलाकात। पावरलिफ्टिंग फेडरेशन एवं एशियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में 1 से 7 दिसंबर 2022 तक दुबई में एशियन क्लासिक सब जूनियर, जूनियर, सीनियर एवं मास्टर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसे दुर्ग जिले के नश्कर टंडन अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर राष्ट्रीय निर्णायक, जिला सचिव एवं प्रशिक्षक, साथ ही शहीद विनोद चौबे पुरस्कार प्राप्त 2021 छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य केंद्र रिसाली सहायक ग्रेड 2 में वर्तमान में पदस्थ का चयन भारतीय पावर लिफ्टिंग संघ द्वारा भारतीय टीम में किया गया है, जिसके चलते मंगलवार को नश्कर टंडन अपने स्वास्थ्य विभाग के साथियों के साथ दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुँचे और दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा और दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव से सौजन्य मुलाकात कर शुभकामनाएं ली। इस दौरान नश्कर टंडन के साथ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोग भी मौजूद रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे नश्कर टंडन जी का, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में अकाउंटेंट के पद पर है रिसाली में, इनका कोच के लिए सिलेक्शन हुआ है दुबई में, और ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के हमारे अध्यक्ष हैं, ये जिला अध्यक्ष हैं लिपिक प्रकोष्ठ के, और ऐसा पहली बार हुआ कि कोई कर्मचारी का छत्तीसगढ़ में कोच के लिए सिलेक्शन हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे। किस तरह के जो रिस्पांस मिल रहा है इसके लिए, आने वाले और कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले और भी कर्मचारी खेल में हिस्सा लेंगे भविष्य में, और बच्चे लोग को इनसे प्रोत्साहन मिलेगा। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता दुबई में आयोजित की गई इंटरनेशनल लेवल में, पावर लिफ्टिंग इंडिया के द्वारा मेरे को चयन किया गया। छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन में एज ए कोच के रूप में कार्य तो कर ही रहा था मैं, इस समय मेरे को इंडिया का मतलब कहना कोच के लिए मतलब सिलेक्शन हुआ है, जहाँ पर सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर एशियन मतलब चैंपियनशिप हो रहा है दुबई में, उसके लिए मतलब सिलेक्ट किया गया है। मैं कल सांस में मेरे मतलब रवाना है। आज जो भी जिस प्रकार से मैं जिस मुकाम में पहुँच रहा हूँ, उसमें मेरा सबसे बड़ा मतलब कि स्वास्थ्य विभाग का जो मेरे भाई सत्यन भाई है, मेरे प्रमेश भी है, मेरे जितने भी साथी हैं, ये सबका मेरा सबसे बड़ा योगदान है। इन्होंने हमेशा, आज नहीं मेरे कम से कम 20-25 साल हो गया एक खिलाड़ी के रूप में, मैंने एक इंटरनेशनल खेला है और साथ साथ ही मैं बच्चों को मतलब कोचिंग करता रहा, जैसे आशीफ अली है, मयंक है, और मेरे बहुत सारे साथी भाई हैं, और विभाग में मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनको मैं, जैसे कि शंभू भाई है और अपने बहुत सारे मित्र हैं जिनको मैंने हमेशा एक सपोर्ट किया, और अदर खिलाड़ी को भी मैं सपोर्ट करता रहा। और आज मुझे छोटे से राज्य से, मुझे दुर्ग जिला से निकल के छोटे से राज्य में गया, छोटे से राज्य से मेरे को ऊपर में, आज इंडिया लेवल में मेरे को जो चयनित किया गया, वो मेरा पूरा प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य भाई और मैं उन लोगों का ही सबसे बड़ा सहयोग है, जिन्होंने हमेशा पल पल में मेरे मतलब साथ दिए, मुझे हमेशा मोटिवेशन किए, और हमेशा मेरे को ड्यूटी कम और खेल के लिए हमेशा उन्होंने प्रोत्साहित किया। आपका परिचय दीजिए। माय नेम इज नश्कर टंडन, इंटरनेशनल नेशनल कैटेगरी 1 रेफरी, और अभी सिलेक्टेड मतलब कोच इंडिया टीम के। यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को कम से कम 20 साल लग गए मेरे पास। मैं 10-15 साल से मैं एज ए खिलाड़ी के रूप में रहा, और आज 12-13 साल करीबन हो गया मेरे को जो मतलब करना में कोच के रूप में मतलब करना में, जहाँ पर जय हनुमान व्यायामशाला है, गैलेक्सी जिम है, और सब जगह जाके मैं मतलब अपनी जगह कोचिंग करता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।